स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में दोज सॉल्यूशन इन विच लेस दो सॉल्यूशन इन विच लेस अमाउंट सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में दो सॉल्यूशन इन विच लेस अमाउंट सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। देयर आर फोर टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इट इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। इट इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप साइज एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इट इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप साइज एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। देयर आर फोर ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देयर आर फोर ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फोर ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वीपी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, वीपी मीन्स वेपर प्रेशर। थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एफपी फ्रीजिंग पॉइंट। एंड लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इन सॉल्वेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन सॉल्वेंट, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन सॉल्वेंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी।
देर आर फोर ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग इन पर प्रेशर, सेकेंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर. दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम. पहला हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन ए व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन ए सॉल्वेंट देन सॉल्यूशन इज फॉर्म एंड दिस सॉल्यूशन इज वेपर प्रेशर इज लेस देन प्योर सॉल्वेंट. रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर मीन वे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मीन्स सॉलिड सब्सटेंस. वे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन ए सॉल्वेंट देन सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. जबकि जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब मिला देते हैं तो एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है और उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारा कम होगा इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है किससे? प्योर सॉल्वेंट से. ऐसा क्यों? मान लीजिए हमारे पास ये एक प्योर सॉल्वेंट है. प्योर सॉल्वेंट और यहां पर हमारा एक सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों इन्वॉल्व हैं. तो सरफेस पे जाने के बाद नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल आर लेस एट सरफेस ऑफ सॉल्यूशन. इसलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारा कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट. इसका वेपर प्रेशर हमारा कम है और इसका वेपर प्रेशर हमारा अधिक. ये प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन. तो इफ कंसीडर If consider vapor pressure of solution is equal to PS and vapor pressure of pure solvent is equal to P naught, then lowering in vapor pressure. When non-volatile solute is added in a solvent, then vapor pressure of solution is less than vapor pressure of pure solvent. So therefore, lowering in vapor pressure is equal to P naught minus PL. P naught
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पीएस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या इसको हम डेल्टा पी अपॉन पी नॉट भी इंडिकेट कर सकते हैं। लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस, दैट इज रिप्रेजेंट डेल्टा पी। डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज कंसिडर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट इनटू एक्स ए। राउल्ट्स लॉ हमारा कहता है कि किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल होगा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा पी पी डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एस, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। तो पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू एक्स ए, देयर फोर पी नॉट कॉमन वन माइनस एक्स ए टू डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट वन माइनस एक्स ए, वन माइनस एक्स ए, देयर फोर डेल्टा पी पी नॉट इंटू एक्स बी, वेयर वन माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी, एक्स बी इज इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स बी, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स बी। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड वी नो दैट एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एक्स बी की जगह को हम लोग एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, वेयर एन बी इज वेरी वेरी लेस देन एन ए इन डिनोमिनेटर, इन डिनोमिनेटर एन बी की वैल्यू एन ए से हमारा बहुत कम है डिनोमिनेटर में, देयर फोर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, वेयर एन बी एंड एन ए इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो NB इक्वल टू WB अपान MB अपान WA अपान MA। इस पोर्शन को यहाँ पर भेज देंगे तो डेल्टा P अपान P नॉट इज इक्वल टू डब्लू बी इंटू एम ए अपान एम बी इंटू डब्लू ए, वेयर डब्लू बी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एम ए इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड डब्लू ए इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फॉर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इन कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, देयरफॉर MB इज इक्वल टू MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू P नॉट डब्लू बी एम ए अपान डेल्टा पी एंड डब्लू ए। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्वेंट इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपान चेंज इन अपान लोअरिंग वेपर प्रेशर मीन्स पी नॉट माइनस पी एस इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इससे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट हम लोग का है अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन ए सॉल्वेंट। थैंक यू।